राम जी। जो जो सो बिना से प्रभु आज के काल, नानक हर गुण गाय ले शाठ सकल जंजाल। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि जो 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 अभी पैदा हुआ है वो आज नहीं तो कल मिट जाएगा, बिनस जाएगा। नानक हर गुण गाय ले शाठ सकल जंजाल। इसलिए जो जंजाल हमने अपने इर्द गिर्द बनाए हुए हैं, जो धन संपदा पुत्र स्त्री के जंजाल हमारे इर्द गिर्द पड़े हुए हैं, माया का जंजाल है। हम इस दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, ये ठीक है, इसके लिए समय देना चाहिए, धन भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ समय, दसवां हिस्सा पूरे दिन का, ढाई घंटे, इस जंजाल को छोड़कर परमात्मा का नाम जप करना चाहिए। परमात्मा का नाम जप किए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। इस 84 लाख योनियों से मुक्ति अगर लेनी है तो परमात्मा का नाम जप करना ज़रूरी है। गुरु तेग बहादुर जी की जो शिक्षा है वो मुख्य रूप से वैराग्य प्रधान है। वो हमें वैराग्य सिखाती है कि राग तो ज़रूरी है, ठीक है, करना चाहिए, लेकिन उसकी भी कोई सीमा होनी चाहिए। अपने मन में वैराग्य को भी जगह देनी चाहिए और इस संसार के गुलाम बनकर नहीं बल्कि इसके मालिक बनकर रहना चाहिए। जब हमारा मन किया तब संसार का जो है धर्मानुसार भोग किया, लेकिन जब दसवां हिस्सा हमारे दिन का आया, अमृत वेला आया, संध्या समय आया, परमात्मा के नाम जप का समय आया, तो इस मन को संसार से निकालकर परमात्मा में जोड़ देना चाहिए। 2400 घंटे अगर संसार में मन रहेगा तो हमारी अधोगति होगी, उन्नति नहीं होगी। 84 लाख योनियों में जीव जंतु की योनियों में जाना पड़ेगा। मनुष्य योनि यहाँ परमात्मा का आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है, इसलिए परमात्मा का नाम जप करने के लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए और नाम जप करते हुए पूरे ध्यान से तन्मय होकर परमात्मा के नाम के साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश हमारे हाथ में है, फल परमात्मा के हाथ में है, तो हमारी कोशिश को भाग परमात्मा ज़रूर लगाएगा और अपने चरणों के साथ जोड़कर आत्म साक्षात्कार का अनुभव करा देगा। धन्यवाद।